हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का प्यारे से चैनल टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। और गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और पढ़ाई में ज़रूर ध्यान दिए होंगे। अपने टारगेट को भूलेंगे नहीं। जो आप टारगेट बनाए हो, जो आप अपने माता पिता से वादा किए होंगे, उसको पूरा ज़रूर करेंगे। तो आइए, आपके समय को ना लेते हुए आज की जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है, वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे जो पिछला वाला लेक्चर है वो विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव थ्योरी पोर्शन बताए गए थे। वहाँ पर आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में बताया गया था। आज उसी पर आधारित जो कुछ आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, उस आंकिक प्रश्न को हम लोग लेके आए हैं, जो कि आज आपको बताया जाएगा। क्योंकि गाइज, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि फार्मूले, जैसे कि कोई विद्युत विभवांतर का जो फार्मूला निकल के आया, विद्युत विभव का जो फार्मूला निकल के आया, उन फार्मूले पर वो आधारित कुछ सवाल का अभ्यास कर लेते हैं, तो उनके जो कुछ चीज़ छूटे रहते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं गाइज। तो ज़बरदस्त आज के सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलाम आवेश को ले जाने पर कार्य जो है 1×10⁻³ जूल हो, तो आवेश क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, क्वेश्चन नंबर एक। तो माना या मानते हैं भी, माना दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट बराबर डेल्टा वी। क्या मान लेते हैं? डेल्टा वी। और डेल्टा वी बराबर कितना दिया है? 50 वोल्ट दिया है। कितना दिया है भाई? 50 वोल्ट। आगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलाम आवेश को ले जाने में, किसको आवेश ले जाने में? क्यू कूलाम आवेश को ले जाने में कितने जूल का कार्य करना पड़ रहा है? तो भाई कार्य कितना करना पड़ रहा है? कार्य को हम लोग डब्लू से व्यक्त करते हैं। कैसे? डब्लू। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है? 1×10⁻³ जूल। आगे कह रहा है, तो आवेश क्यू का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आवेश क्यू का मान ज्ञात करना है। आपको आवेश क्यू ज्ञात करना है। तो गाइज, क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं विभवांतर का फार्मूला क्या होता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में बता के रखा है, विभवांतर बराबर डेल्टा वी बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट, यानी किया गया कार, यहाँ क्यू है, आवेश क्या है? क्यू है। ये हो गया। तो गाइज देखिए, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी आपको कितना दिया गया है? 50 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया? 50 वोल्ट। और डब्लू, डब्लू कितना दिया गया है? 1×10⁻³ अपान क्यू, क्यू तो आपको फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 क्यू बराबर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 1×10⁻³ जूल। ठीक, अब क्यू का मान ज्ञात करना है तो 50 को इधर की तरफ भेज देंगे तो 1 अपान कितना आ जाएगा? 15×10⁻³। तो देखिए, 50 को आप इससे डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आएगा। 100 का डिवाइड करेंगे तो भाई डिवाइड तो जाने वाला नहीं गाइज। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्यारे स्टूडेंट हैं जो कि भूल जाते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो आप डिवाइड करना एक बार ज़रूर सीख सकते हैं। 15 से 1 को डिवाइड करना है तो डिवाइड तो होने वाला नहीं, तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, अब भी नहीं जा रहा, तो 1 0 और लगाए, 1 0, 50 दूनी कितने हो गए? 100। तो ये डिवाइड हो गए तो गाइज कितना आया? इसको डिवाइड करने पे 0.02×10⁻³। अब ये पॉइंट को हम लोग इधर की तरफ ले जाएंगे तो जितना अंक इधर लेके जाएंगे उतना पावर यहाँ क्या हो जाएगा? घटता चला जाता है। सॉरी, ये जो पावर है आपका क्या हो जाएगा? उतना प्लस होगा। भाई दो अंक लेके गए तो 2×10⁻³ था, ये माइनस कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये क्यू का मान आ गया कितना? 2×10⁻⁵ कूलाम। तो इस प्रकार आपका ये जो पहला सवाल है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि उत्तर प्रदेश के 2009 के सत्र में पूछा गया है, यानी जो 2009 में बोर्ड पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या है, पांच गुलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 25 जूल ऊर्जा खर्चा करनी पड़ती, ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्चा करनी पड़ती, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो गाइस ऐसे समझिएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ये कोई बिंदु मान लीजिएगा जो कि विद्युत क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु, एक बिंदु क्या है ए है, एक बिंदु बी है। अब ए पर जो है क्या कर रहा है, 5 कूलाम का आवेश है, ये कोई 5 कूलाम का कितना आवेश है, इसको ए से बी तक ले जाना है, इस आवेश को ये क्यू आवेश का जिसका मान कितना है 5 कूलाम है, तो इस 5 कूलाम वाले आवेश को ए से बी तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है। तो भाई ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो कितने जूल का कार्य करना पड़ रहा है, 25 जूल का, कितने जूल का, 25 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, यदि पहले बिंदु का विभव कितना हो 10 वोल्ट हो। तो भाई इस बिंदु का विभव जो है मान लेते हैं ए पर जो विभव है, माना माना ए पर विभव क्या मानते हैं, VA मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं VA, और ये दे रहे हैं 10 वोल्ट, कितना दे रहे हैं 10 वोल्ट, और B पर जो विभव है वो आपको फाइंड आउट करना है, कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, V पर विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब Q का मान आपको दे के रखे हैं, आवेश आवेश यानी Q किसको लेके जा रहे हो भाई, आवेश Q बराबर आपको दिया है 5 कूलाम, कितना दिया है 5 कूलाम दिए हैं, फिर आखिर कितने जूल ऊर्जा खर्चा करना पड़ रहा है भाई, ऊर्जा यानी कार्य, कितना कार्य कर रहे हैं, कार्य को W से, तो कितना कार्य कर रहे हैं 5 जूल, तो आपको दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना। तो आप गाइस एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप लेके कहां से जा रहे हो, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हो, तो यहां पर विभव का मान आपका क्या होने वाला है गाइस, यहां पर विभव का मान ज्यादा होने वाला है, तो हम विभव जो है जो ज्यादा होगा उसको हम लोग घटाएंगे। तो गाइस ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो अंतिम यहां पर समाप्त कर रहे हैं, तो इसका विभव कितना है, तो इसका विभव है तो लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर वी बी, इस पे का विभव माइनस क्या हो गया वी ए, बराबर क्या पढ़े थे डब्लू अपान क्यू नॉट। तो गाइज वी बी का मान आपको फाइंड आउट करना है, पर ए ए का मान आपको दिया है, वी ए का मान कितना है 10 है, फिर डब्लू डब्लू कितना है गाइज, डब्लू कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है 25 जूल, कितना 25, तो ये 25, और क्यू नॉट यानी क्यू है तो क्यू का मान कितना है 5 कूलाम है। तो गाइस इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये 25 या 25 हो जाएगा, तो वी बी माइनस 10 इक्वल टू कितना है 5, 10 का पक्षांतर कर देंगे तो वी बी बराबर 5 प्लस 10 आ जाएगा, फिर वी बी बराबर कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। यानी गाइस आप यहाँ फाइंड आउट कर लिए कि आपको पता चल गया कि इस बिंदु पे जो विभव था वो किसके बराबर था, 15 वोल्ट के बराबर था। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तीसरे सवाल को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या करा है, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं। तो गाइज देखिएगा, ये कोई बिंदु ए ले लेते हैं और ये कोई बिंदु बी ले लेते हैं, ठीक, जिनके बीच की दूरी वो खुद बता के रख रहे हैं कि भाई ये दोनों कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे कह रहा है ए और बी विभव क्रमशः 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट है, यानी इस पे जो विभव है ए पर विभव, ए पर जो विभव है वी ए वो किसके बराबर है 10 वोल्ट के, किसके बराबर है 10 वोल्ट के, फिर किस पे भी बी पर विभव, किस पे विभव बी पर विभव, तो गाइज बी पर विभव कौन होगा वी बी बराबर कितना है माइनस 10 वोल्ट, कितना है माइनस 10 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा ये बी पर विभव 10, ए पर 10, बी पे माइनस 10 वोल्ट, फिर कह रहा है एक गुलाम को ए से बी तक ले जाने में, तो भाई ए से बी तक लेके जा रहे हैं किसको, एक गुलाम आवेश को, तो भाई आवेश का मान यानी आवेश क्यू, तो आवेश क्यू का मान आपको दे दिया है एक गुलाम, कितना दिया है एक गुलाम, एक गुलाम को ए से बी तक ले जाने में, ए से कहाँ ले जा रहे हैं ए से बी तक ले जाने में किया गया क्या करा, देखिए
कितना कार्य करना होगा। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइज कि कितना कार्य करना होगा, यानी W आपको फाइंड आउट करना है, W आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, भाई A पर विभव 10 वोल्ट, B पर विभव -10 वोल्ट, तो हमको W ज्ञात करने, यानी हमको कितने जूल के कार्य यहाँ करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर के फार्मूले से लगाएंगे, विभवांतर बराबर पढ़े थे हम लोगों ने, क्या पढ़ा था विभवांतर बराबर, तो भाई ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, माना दो बिंदुओं के, इनके बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, भाई ए से बी ले जा रहे हैं तो बी पर विभव ज़्यादा होगा, फिर कहाँ भैया ध्यान से समझिएगा, ए पर कितना है वी बी माइनस कितना वी ए, बराबर कितना है भैया डब्लू अपान क्यू नॉट गाइज, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो वी बी है वो कितना है और ए कितना है उस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो भाई ए पर कितना है, देखिए ए पर कितना है गाइज, ए पर जो विभव है वो आपके कितना है 10 वोल्ट है, कितना है 10 है, ये माइनस वी ए, तो देखिए सॉरी गाइज आप देख सकते हैं एक बार, ए पर जो विभव है तो यहाँ बी का जो विभव है, वी का विभव कितना है -10 है, कितना है -10 है, और जो वी ए है वी ए का मान कितना है ये 10 है, ठीक बराबर डब्लू, तो डब्लू आपको ज्ञात करना है, और क्यू नॉट, क्यू नॉट का मान कितना है 1 कूलाम है, कितना है 1 कूलाम, तो ये -10 और -10 जुड़ के कितने हो गए -20 बराबर डब्लू बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W का मल्टीप्लाई 1 से कर दिए, W बराबर कितना आ गया -20 जूल, तो भाई कार्य जो होगा क्या हो जाएगा 20 जूल के बराबर हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे गाइज। तो आपको कितने जूल का कार्य करना पड़ेगा, 20 जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो गाइज इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ा, ये 2012 और 11 में 2 साल पूछा गया है, तो हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है, कितना है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ध्यान दीजिएगा विभवांतर, पहले से कह रहा है भाई विभवांतर, तो मानते हैं जो विभवांतर है वो डेल्टा वी है, कितना है 50 वोल्ट, कितना है गाइस 50 वोल्ट। आगे क्या करा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2×10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर, भाई आवेश कितना है, आवेश यानी क्यू कितना है 2×10⁻⁵ कूलाम, ठीक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यानी कार्य डब्लू आपको ज्ञात करना है, कार्य डब्लू ज्ञात करना है, इसके क्या ज्ञात करना है कार्य करना होगा। तो गाइस आपके पास फार्मूला है, विभवांतर आपने क्या पढ़ा है अभी, विभवांतर डेल्टा वी बराबर किया गया कार्य, यानी डब्लू अपान कितना क्यू, डब्लू अपान कितना क्यू, तो डेल्टा वी का मान पहले से रखे हैं 50 और डब्लू आपको ज्ञात करना है और क्यू का मान है 2×10⁻⁵, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो डब्लू का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो डब्लू आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100 और गुणे कितना है 10⁻⁵, तो इस 100 को हम लिख सकते हैं 10^2 और यहाँ 10^-5, तो आधार बराबर है तो घात घट जाएंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो -3 आएगा, तो भाई 10^-3 जूल कार्य करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप चाहो तो इस नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। इस बार भी जो है पांचवा क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि भाई दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी डेल्टा वी
डेल्टा वी बराबर कितना है 50 वोल्ट। कितना है 50 वोल्ट है भाई। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻¹ कूलाम आवेश, तो क्यू बराबर 3×10⁻¹ कूलाम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इस बार कार्य फिर से पूछा है, डब्लू ज्ञात करना है भाई। 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, पढ़ा अभी विभवांतर के सूत्र से, विभवांतर के फार्मूले से भाई। विभवांतर डेल्टा वी बराबर कार्य, कार्य को हम लोग डब्लू से व्यक्त करते हैं, बटे क्या होता है आवेश, कार्य बटे क्या होता है आवेश, जिसे आप क्यू से व्यक्त करते हैं। तो भाई डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मान आपको पहले से रखा है 50 वोल्ट, और कार्य, तो कार्य कितना है आपको ज्ञात करना है, और आवेश, आवेश का मान है 3×10⁻¹। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, डब्ल्यू का मल्टीप्लाई एक से किए, तो डब्ल्यू इनका मल्टीप्लाई है, तो 50 × 3 कितना 150×10⁻¹। गाइज आपका जो पॉइंट यहाँ पर है वो आप एक अंक इधर, दो अंक इधर आओगे, एक दो, तो जब गाइज दो अंक इधर आओगे तो दो ठो पावर यहाँ क्या होंगे प्लस होंगे, तो दो पावर जब प्लस कर देंगे तो यहाँ 1.5×10⁻¹ प्लस क्या कर देंगे दो, तो 5 में से 2 घटा देंगे, तो गाइज 1.5×10⁻³ जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज जैसा कि आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चन लिखे थे हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं गाइज, जो छठवां क्वेश्चन है वो गाइज टेक्निकल इशू के कारण जो है कुछ कमियां आ जाने की वजह से आज ये जो छठवां क्वेश्चन है वो हम आज के लेक्चर में नहीं बता पा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 को जो है अगले लेक्चर में जरूर आपको प्रोवाइड करा देंगे गाइज, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।